वेलकम बैक टू वन चांस वुमन। आज इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के बहुत ही अमेजिंग से 5 सूट सेट देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कलरफुल सा वायलेट कलर का ये कुर्ता है। नेक इसमें आपको राउंड मिलता है, फ्रंट साइड में आप देखो गोल्डन कलर से बहुत ही खूबसूरत से एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई है। 3-4 स्लीव्स एंड स्लीव के भी ऊपर में आपको बांधनी डिजाइनिंग ही मिलेगी। बैक साइड में भी ये सेम डिटेलिंग है। एंड वही फ्रंट के नीचे साइड में आप जाओ तो कुर्ते के साइड में भी यहाँ पे वो गोल्डन वाली वर्क की गई है। साइड में यहाँ पे आपको स्लिट मिलती है एंड लेंथ जो इसकी है वो आपके काफ तक आने वाली है। वहीं इसमें जो पैंट है वो एकदम प्लेन रखा गया है। इसके वेस्ट में यहाँ पे आपको इलास्टिक प्रोवाइड की गई है। ये वाली पैंट जो है वो लेंथ वाइज बहुत ही अच्छी है, आपके एंकल तक आने वाली है। एंड इसका जो दुपट्टा है ना वो आपको और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि इसमें आपको शिफॉन मटेरियल का दुपट्टा मिलता है। एकदम प्लेन सा दुपट्टा, इसके साइड साइड में सूट से मैच होता हुआ बॉर्डर लगाया गया है एंड एंड पार्ट्स में यहाँ पे टैसल भी अटैच्ड है। लेंथ वाइज दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। ओवरऑल जो सेट है कम्फर्ट के मामले में A1 है क्योंकि ये वाली जो पूरी सेट है वो आपको रेयन फैब्रिक की मिलती है, तो फेस्टिव में आप इंजॉय भी कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम आप एकदम कंफर्टेबल भी रहोगे। प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो हमारा कुर्ता है बहुत ही सटल कलर में आया है एंड इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मेहंदी ग्रीन कलर में ये कुर्ता है एंड इसके ऊपर में आपको लहरिया डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। वहीं इसका नीचे साइड आप देखो तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा है ही, बट इसका आप नेक देखो, इसके फ्रंट साइड में आपको बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलती है। थोड़े थोड़े सीक्वेन भी यहाँ पे लगाए गए हैं। स्लीव्स आप देखो यहाँ पे लहरिया डिजाइनिंग तो बनाई गई है बट यहाँ पे भी आपको ऑरेंज कलर का शेड देखने को मिल जाएगा। बैक कुर्ते का एकदम प्लेन रखा गया है। नेक में यहाँ पे आपको लिबास की ब्रांडिंग मिलती है। वहीं एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इनकेस अगर आपका बटन टूट जाए सामने वाला तो वहाँ पे इन्होंने 2 बटन एक्स्ट्रा में आपको प्रोवाइड किया, आप आराम से उसे स्टिच कर सकते हो। मटेरियल वाइज ये वाला जो कुर्ता है वो सिल्क ब्लेंड मेंशन किया है ब्रांड ने एंड इसके इनर साइड में यहाँ पे आप देखो आपको लाइनिंग भी प्रोवाइड की गई है। बहुत ही स्मूथ सा फैब्रिक है, पहनने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने घर के कपड़े डाल रखे हैं। पैंट जो इसमें आपको मिल रहा है वो एकदम प्लेन मेहंदी ग्रीन कलर का ही है। स्ट्रेट फिट वाला ये पैंट है एंड इसके नीचे में बस 2 लाइंस डिजाइन किए गए हैं। वेस्ट में इसके आपको बहुत ही कंफर्टेबल सी इलास्टिक अटैच मिलती है एंड यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। इनर साइड में वही 2 ड्रॉ स्ट्रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप इन्हें कहीं पे भी टांग सको। सरप्राइजिंग बात तो ये लगी कि इस पैंट्स में तो पॉकेट है बट 2 पॉकेट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं एंड इसकी भी जो मटेरियल है वो मुझे काफी कंफर्टेबल लगी। दुपट्टा अगर हम इसका देख ले, क्योंकि ओवरऑल जो कुर्ता है वो मेहंदी ग्रीन कलर में है तो दुपट्टे में ज्यादा आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा एंड इसके साइड साइड में टैसल्स भी अटैच किए गए हैं। इनकेस अगर ये भी टूट जाए तो इन्होंने एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। लेंथ वाइज दुपट्टा बहुत ही अच्छा है एंड अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने इस सूट सेट में ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड करके रखी है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो एंड ऐसी मैं और भी आगे वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे इसकी भी लुक आप देख लो, पसंद आए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही वर्सेटाइल सा कुर्ता क्योंकि मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर चूज किया है, अनारकली का ये कुर्ता एंड इसके पूरे ओवरऑल कुर्ते में आपको चिकन करी में कैसा वर्क मिलता है वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे व्हाइट कलर के सीक्वेंस भी यूज किए गए हैं। नेक के इनर साइड में आपको मिलती है ब्रांडिंग एंड 3-4 स्लीव इस कुर्ते में अटैच किए गए हैं, जिसके एंड पार्ट में आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी डेंसी डिटेलिंग की गई है। नेक के फ्रंट साइड में एक कट भी आपको मिल जाएगा एंड नीचे साइड में आप देखो तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत सी वर्क मिलती है एंड साथ ही जो एंड पार्ट है वहाँ पे थोड़े थोड़े कट्स के थ्रू भी डिजाइनिंग की गई है। सेम डिटेलिंग आपको बैक साइड में भी मिलती है एंड इसका जो हाफ वाला पोर्शन है अपर वाला साइड वहाँ पे सिर्फ आपको लाइनिंग प्रोवाइड की गई है। एकदम प्लेन सिंपल सा दुपट्टा रखा गया, बस इसके साइड में सिल्वर कलर के गोटा पत्ती अटैच कर दिए गए हैं। पॉलिएस्टर मटेरियल का यहाँ पे दुपट्टा यूज किया गया है। लेंथ वाइज भी डिसेंट सी है। ओवरऑल लेंथ एंड लुक आप बीरोल के थ्रू समझ लेना। ये वाले कुर्ते में बस एक गड़बड़ी मुझे ये लगी कि इन्होंने नीचे के साइड में लाइनिंग नहीं प्रोवाइड की है, क्योंकि व्हाइट कलर है तो ये बहुत ही ज्यादा विजिबल हो रहा था मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसके लिए जाओगे तो या तो लाइनिंग अटैच करवा लो, नहीं तो वो जो बड़े वाले स्पेगेटीज आते हैं एंड व्हाइट कलर की लेगिंग्स इसके साथ जरूर कैरी करना। बाकी ये वाला जो सेट है स्टाइलिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। चाहो तो इसे बनारसी दुपट्टे के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, वरना कोई भी कलरफुल सा दुपट्टा इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये 550 के अराउंड में मिला है तो क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मरून कलर का बहुत ही प्यारा सा सूट सेट। ये वाला जो सेट है वो वरंगा ब्रांड का है। नेक जो इसका है उसके फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको कट मिलती है। वहीं इसी के नीचे में आप देखो तो स्क्वायर पैटर्न में यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इसके ऊपर में आपको डिजाइनिंग ये देखने को मिल रही है। नीचे वाला जो पार्ट एकदम प्लेन रखा गया है। ये वाला कुर्ता जो है वो नीचे साइड में जाके थोड़ा फैल रहा है, जैसे फ्रॉक सूट होता है ना वैसा टाइप का नीचे से लुक आता है। वही स्लीव जो इसके हैं वो 3/4 है एंड थोड़ा सा नेट टाइप का इसका मटेरियल लग रहा है, इस वजह से जब आप पहनोगे तो थोड़ा ये सी थ्रू होगा। एंड पार्ट में यहाँ पे लेस लगाई गई है। बैक साइड कुर्ते का प्लेन रखा गया, एंड साइड में आपको स्लिट मिलता है। इनर साइड में यहाँ पे लाइनिंग भी आपको प्रोवाइड की गई है। वही लेंथ वाइज वाला जो कुर्ता है वो आपके एंकल से थोड़ा सा ऊपर आएगा। पैंट इसमें आपको एकदम प्लेन सिंपल सा ही मिल रहा है। स्ट्रेट फिट वाला ये पैंट है, बस इसके एंड पार्ट में स्लीव से मैच होता हुआ डिजाइनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वही वेस्ट में अच्छी क्वालिटी की इलास्टिक लगाई गई है। इनर साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग
भी मिल जाएगी। कोई भी पॉकेट इसमें नहीं प्रोवाइड की गई है, बाकी फिट वाइज पैंट अच्छी थी। वहीं इसका अगर आप दुपट्टा देखो ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको फ्लोरल डिजाइनिंग वाला दुपट्टा प्रोवाइड किया गया है। एंड इतना ही नहीं, दुपट्टे का जो साइड वाला पार्ट है वहां पे आप देखो ऐसे गोल्डन टाइप के बॉर्डर लगाए गए हैं, जो कि इस दुपट्टे को ना बहुत ही रॉयल टाइप का लुक प्रोवाइड कर रहा है। मुझे इस सेट में ज्यादा इसका दुपट्टा ही पसंद आया था। एंड मटेरियल भी जो इसका है वो जॉर्जेट टाइप का लग रहा है मुझे। बाकी लेंथ इसकी बहुत ही अच्छी है। इसका जो स्लीव है, इसमें जो डिजाइनिंग बनाई गई है, इस वजह से मुझे ये थोड़ा इरिटेट कर रहा था। बाकी ओवरऑल फिट एंड लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। मे भी ऐसा हो कि एक दो वॉश के बाद इसका मटेरियल सॉफ्ट हो जाए, वैसी प्रॉब्लम ना आए। बट देखो, जो मैंने फेस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपके ऊपर है, आपको अगर ये सेट पसंद आए तो डेफिनेटली जा सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है बॉटल ग्रीन कलर का कुर्ता। एंड पूरे कुर्ते में आपको गोल्डन कलर के वर्क्स देखने को मिलेंगे। इसका जो नेक है वो आप देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितनी अच्छी इसमें आपको डिजाइनिंग मिल रही है। सारी डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी के थ्रू ही की गई है। यहाँ पे मस्टर्ड येलो एंड रेड का यूज किया गया है। ग्रीन के ऊपर ये सारे कलर्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वहीं इनर साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी रेड बॉगल की। साइज मेरे इस कुर्ते में एल लिया है मैंने। 3/4 स्लीव आपको मिलेंगे। एंड कुर्ते से मैच होता हुआ स्लीव के ऊपर में भी डिजाइनिंग किया गया है। एंड पार्ट में पतली सी रेड कलर की अलग से फैब्रिक यहाँ पे अटैच कर दी गई है। पूरा जो बैक है वहाँ पे गोल्डन कलर का यूज किया गया। एंड साइड में यहाँ पे आपको स्लिट मिलती है। इनर साइड में यहाँ पे भी आपको लाइनिंग प्रोवाइड की गई है। लेंथ वाइज ये वाला जो कुर्ता है वो मेरे काफ तक आया था। वहीं पैंट इसका अगर हम देखें तो अगेन इसमें भी स्ट्रेट फिट वाला पैंट आपको मिल रहा है, जिसके एंड पार्ट में गोटा पत्ती लगाई गई है। एंड साइड में कट भी प्रोवाइड किया गया है आपको। वेस्ट में यहाँ पे आपको अच्छी इलास्टिक मिल जा रही है। एंड पैंट जो है वो लेंथ वाइज आपके एंकल तक आएगी। ओवरऑल लेंथ एंड फिट वाइज पैंट बहुत ही अच्छी थी। दुपट्टा इसमें यहाँ पे आपको रेड कलर का प्रोवाइड किया गया है, जिसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। साइड में इसके भी आपको टैसल मिल जाएंगे। एंड टैसल की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। पूरे दुपट्टे में ये गोल्डन कलर का भी यूज किया गया है। ओवरऑल जो दुपट्टा है वो सेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। बट ये वाला भी जो सूट सेट है, इसमें भी मुझे ये दिक्कत आई कि इसकी स्लीव जो है ये गोल्डन वाली डिटेलिंग की वजह से इरिटेट कर रही थी मुझे, क्योंकि इनर साइड में आप देखो कैसे इसके थ्रेड्स निकले हुए हैं। इस वजह से मुझे ये इशू आई। इन केस अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे भी आप अगर लाइनिंग अटैच करवा लोगे तो ये सूट एकदम मस्त रहेगा पहनने के लिए। बाकी स्टाइल वाइज बहुत ही अच्छा है, बट मेरे केस में मैं कंफर्ट पहले रखती हूँ, स्टाइलिंग को बाद में रखती हूँ। अगर मैं कपड़े में कंफर्टेबल हूँ तो वो कपड़ा सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर वो स्टाइलिश का कपड़ा है मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो वो मैं किसी और को भी रेकमेंड नहीं करने वाली। बाकी आपके ऊपर अगर आप लाइनिंग अटैच करवा रहे हो तो ही इसके लिए जाना, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करने वाली इस कुर्ते को। एंड आई होप गाइस आपको हमेशा की तरह ये वाली भी सूट सेट बहुत ही पसंद आई होगी। अपना फेवरेट सेट एंड रिकमेंडेशन मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय। जय हिंद। पीस।